उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सभी धार्मिक स्थलों से अतिरिक्त लाउडस्पीकर हटाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कहा था कि कार्यक्रमों की आवाज केवल धार्मिक स्थलों के कैंपस तक ही सीमित रहेगी। उसी के कारण मुजफ्फरनगर में जिला पुलिस और प्रशासन ने सभी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों से अतिरिक्त लाउडस्पीकर उतारने की मुहिम चलाते हुए विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ मीटिंग कर उनसे अतिरिक्त लाउडस्पीकर हटाने की अपील की थी। इसके बाद जनपद के अधिकतर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने का काम शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जहां मुस्लिम और हिंदू समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए इस आदेश का स्वागत किया है, वहीं मस्जिद के इमाम साहब खालिद साजिद ने कहा कि देश संविधान से चलता है और हिंदुस्तान का संविधान हमेशा न्यायप्रिय रहा है। देश में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की है वो उसका स्वागत करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस समय आया था जब हिंदुस्तान में रमजान का महीना चल रहा है, लोगों को शहरी के लिए लाउडस्पीकर पर अजान पर उठाया जाता है। लाउडस्पीकर बंद हो जाने से कहीं ना कहीं परेशानियां तो जरूर आएंगी, लेकिन अपने मुल्क के पर्यावरण और सलामती के लिए वे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है उस पर तो कोई टिप्पणी भी नहीं की जा सकती, और जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया है उसको माना जाएगा। अलबत्ता हमारा मुल्क जो है वो मोहब्बत, आस्था, प्यार, ताल्लुक, इन सब चीज़ों का मुल्क है। ठीक है, हम मानते हैं इस बात को, अमल भी किया जाएगा उस पर कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर मुकम्मल तरीके से अमल हो। कुछ चीज़ें हैं जिनका मानना तो पड़ता है, जब बड़ा कोई हुक्म करता है तो उसको मानना तो पड़ता है, लेकिन दिल से एक आवाज़ भी उठती है कभी कभी कि मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जहाँ मिली जुली आबादी है, परेशानी ज़्यादा होती है लोगों को, वहाँ पर तो बाकी वो होता है। लेकिन बहुत अच्छा होता अगर ये हुक्म इस तरीके से होता कि जहाँ लोगों को दिक्कत नहीं है, जहाँ परेशानी नहीं है, उसको वहाँ पर ये इस तरीके से उसमें कुछ छूट होती थोड़ी सी। इसमें ऐसा ही है, देश संविधान से चलता है और हम भी सरकार के अंदर आते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़े जज बैठते हैं, जिन्हें हम जो है कि शिक्षा के विद भी कहते हैं, अगर उनको कहीं अच्छा लगता हो, कोई उन पे कंप्लेंट गई हो किसी भी प्रकार से, और हमारा भी धर्म यही है कि हम न किसी को प्रसन्न करते हुए अपनी धार्मिक भावनाओं को सदैव बनाने रखने के लिए अपने जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं वैसे ही हम लोग चलेंगे। हम अन्यत्र कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, उनका सम्मान, मान सम्मान हम ही लोगों को रखना होता है, और इसलिए हम कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो सुप्रीम कोर्ट के विपरीत जाए। और इसी से मैं आग्रह करता हूं सभी लोगों से, जो लाउड स्पीकर बजते थे वो ऐसा था कि एक धार्मिक मोहल्ले पड़ोस के लिए धार्मिक भावनाएं जगाने के लिए कि प्रातः उठें, मंदिर आएं, दर्शन करें, भक्ति भाव जगाने के लिए, ना कि किसी को परेशानी करने के लिए हम लोगों ने लाउड स्पीकर लगाए हैं।